निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना यही विचार, ये सतवानी मत के ले जो इन को सार। इन सार में कई सत सुख सो में निर्णय करू निर्धार। ये सुख देवो ब्रह्म सृष्ट को तो मैं अंग नाना, निराकार के पार थे। प्रणाम। युगों से मानव इन प्रश्नों के उत्तर की खोज में है कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कहां से आया हूं और आखिर मुझे जाना कहां है। विश्व के सभी धर्मों ने इन प्रश्नों का अपने अपने मतानुसार समाधान किया है, किंतु श्री विश्व प्रणामी धर्म के सिद्धांत एवं प्रत्यक्ष अनुभूति के माध्यम से इन प्रश्नों के जो उत्तर अभिव्यक्त होते हैं वह अनन्य और अद्भुत है। इस फिल्म में सृष्टि रचना का कारण महाकारण, तीन प्रकार की सृष्टियां, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि तथा अक्षर और अक्षरातीत श्री पूर्ण ब्रह्म के संदर्भ में संक्षिप्त परिचय दिया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए श्री प्रणामी धर्म के धर्म ग्रंथ श्री तारतम सागर का एवं श्री विराट पट दर्शन ग्रंथ का अध्ययन अति आवश्यक है। वैसे तो आत्म, परात्म और श्री सच्चिदानंद का गुह्य ज्ञान शब्दों से परे केवल अनुभूति का विषय है, किंतु जैसे किसी स्थान पर पहुंचने के लिए उसका नक्शा हमारा पथ सुगम कर देता है, वैसे ही श्री विश्व प्रणामी धर्म के महान ग्रंथ श्री तारतम सागर के माध्यम से हम परम धाम और उसमें नित्य विराजमान अक्षरातीत श्री पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी, श्री श्यामा महारानी एवं उनकी ब्रह्म सृष्टियों की लीलाओं का रहस्य, जिस ब्रह्मांड में जिस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं उसका भेद और भी बहुत कुछ हम जान सकते हैं। तो आइए, जो सबसे पहले था और महाप्रलय के पश्चात भी अर्थात सदैव रहने वाला है, वहीं चलते हैं, परम धाम। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, अब सुनियो मूल वचन प्रकार। जब नहीं उपजो मोह अहंकार, नाही निराकार नाही शून्य ना निर्गुण ना निरंजन, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहूँ आपा बीती, दिन की कहूं। श्री प्राणनाथ जी के मतानुसार जब कुछ भी नहीं था, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ना सत ना असत, ना आकाश ना ही अंतरिक्ष, तब मात्र एक पार ब्रह्म ही अपनी स्वयं सत्ता से सर्वत्र विद्यमान था। यही पार ब्रह्म है हमारे अक्षरातीत श्री पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी। श्री जमुना जी उनके सातों घाट, कुंज निकुंज पोखराज एवं माणिक पहाड़, वन की नहरें, पश्चिम चौगान बड़ा वन, आठों सागर एवं आठों जिमी से सुशोभित यह है परम धाम
जहां नौ भौम के इस रंग माहौल में श्रीराज जी अपनी आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के साथ, वैसे तो अनगिनत ब्रह्म सृष्टियां हैं, 12,000 की संख्या तो सांकेतिक है, जिनके साथ श्रीराज जी निवास करते हैं और नित्य नूतन आनंद की, विहार की, रास की रसमयी लीलाएं करते रहते हैं। इसीलिए सदा किशोर और रसरूप परमात्मा का एक नाम रसो वैसह भी है, जो कि वेद का भी मत है। यह परम धाम और यहाँ हो रही सर्व लीलाएं हर रूप से विशिष्ट एवं अकल्पनीय है। असत, जड़ और दुख का सम्मिश्रण सदैव क्षर जगत में व्याप्त रहता है, जबकि इस परम धाम में सत, चेतन और आनंद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सत, चित और आनंद से पूर्णतया इस परम धाम में एकमात्र चिरंजीव तत्व प्रेम की परम अवस्था इश्क ही है, जो यहाँ सदा समान रूप से अस्तित्व में रहता है। यहाँ न कुछ घटता है, न कुछ बढ़ता है, सब कुछ अखंडित रहता है। सुख दुख, सत असत के द्वंद्वों से मुक्त यह परम धाम किसी विशेष स्थान या काल अर्थात समय के बंधनों से नितांत परे है। जहां समय नहीं वहां जरावस्था कैसी? श्री राज जी, श्री श्यामा जी और उनकी ब्रह्म सृष्टियां अर्थात सखियां चिर युवावस्था में रहती हैं, अपितु युवानी की बसंत यहाँ के पेड़ों, फूलों, पशु पंखियों और अन्य चीज वस्तुओं पर भी निरंतर छाई रहती है। यहाँ का प्रत्येक अस्तित्व कोमल, स्वयं प्रकाशित एवं सुगंधित है। हीरा माणिक, मोती पोखराज जैसे अनेकानेक रत्नों और अन्य कल्पनातीत बहुमूल्य द्रव्यों से दैदीप्यमान इस परम धाम के धनी श्री राज जी, श्री श्यामा जी और ब्रह्म प्रियाओं के बीच सदैव इश्क रबद अर्थात प्रेम का आनंदमय संवाद होता रहता है। परम धाम के मध्य में नौ भौम का रंग माहौल स्थित है, जिसके भीतर प्रथम भौम में 64 स्तंभों के इस चबूतरे में इश्क रबद होता रहता है। इस मिलन स्थली का नाम है मूल मिलावा। यह मूल मिलावा मानो समग्र परम धाम का हृदय स्थान है और यहाँ होता इश्क रबद आनंद की, प्रेम की परम अवस्था है। हक यानी श्री राज जी, हादी अर्थात श्री श्यामा जी और रूहे मतलब ब्रह्म सृष्टियां, इनका इश्क इंद्रियातीत है और उनके बीच हो रही आनंद की लीलाएं शब्दातीत हैं। एक बार क्या हुआ, ऐसी ही एक लीला के दौरान श्री राज जी, श्री श्यामा जी और सखियां कुंज निकुंज के वन में पकड़ दांव की लीला खेल रहे थे। दूसरे के पीछे दौड़कर पकड़ लेने की मानो उनमें होड़ लगी थी। आगे आगे श्री राज जी दौड़ रहे थे, पीछे पीछे श्री श्यामा जी और सखियां। दौड़ते दौड़ते अचानक श्री राज जी का पांव स्फटिकमय रेत में धंस गया। वो गिर पड़े और उन पर एक के बाद एक सब सखियां आ गिरी। सब खिलखिलाकर खूब जोर से हंसने लगी और श्रीराज जी से मीठा मजाक करने लगी। पूर्ण ब्रह्म श्रीराज जी के मन में तब विचार आया, ये सखियां मुझे पूर्ण रूप से पहचानती नहीं है। रूहे बेनियाज
नाच थे बीच बका पारे हजार रूहे बेनियाज थे बीच बका पारे हजार जाने न आप रे सकी जाने न आप रे सकी साहेबिया अपार रूहे बेनियाज थे बीच बका पारे हजार मेरे ऐश्वर्य मेरी साहिबी और मेरे इश्क से अपरिचित इन ब्रह्म प्रियाओं को मेरे सर्वव्यापक स्वरूप का मैं परिचय कराऊं क्योंकि अखंड प्रेम से परिपूर्ण इस परम धाम में नित्य निवास करने के कारण वे मेरी असीम सत्ता से अनभिज्ञ है सदैव संयोग की वजह से इन्हें मेरे अनहद इश्क का अंदाजा नहीं है इसलिए अब वियोग द्वारा ही इन्हें मेरे दिव्यतम इश्क का मूल्य समझ में आएगा। श्री पूर्ण ब्रह्म के मन में उत्पन्न हुए इसी विचार बीज को महाकारण कहा जाता है। किंतु इस बीज को अंकुरित करने के लिए कारण रूपी भूमि का होना अत्यावश्यक है, क्योंकि उसे भी श्री पूर्ण ब्रह्म ने ही उत्पन्न की। कैसे? आइए देखें। परम धाम में जहाँ रंग माहौल है वहीं उसके बिल्कुल सामने श्री यमुना जी के उस पार अक्षरधाम है। रंग माहौल के भीतर जिस प्रकार श्री पूर्ण ब्रह्म श्री श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों के साथ विराजते हैं, ठीक उसी प्रकार अक्षरधाम में श्री अक्षर ब्रह्म अपनी ईश्वरी सृष्टि के साथ विराजमान है। चौंकिए मत, यह अक्षर ब्रह्म कोई और नहीं किंतु श्री पूर्ण ब्रह्म का ही अंश है। सच्चिदानंद श्री पूर्ण ब्रह्म के तीन स्वरूप है, या कहिए कि अंग है, सत चित और आनंद। श्री श्यामाजी और सखियां श्री पूर्ण ब्रह्म के आनंद का स्वरूप है और अक्षर ब्रह्म उनके सत अंग का अंश मात्र है। जबकि स्वयं श्री पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी चित अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म के भी सत चित और आनंद यह तीन अंग है, किंतु वे स्वयं श्री पूर्ण ब्रह्म के सत के अंश होने के कारण उनमें सत का प्रमाण अधिकतम और चित एवं आनंद की मात्रा न्यूनतम है। अक्षर ब्रह्म यमुना जी को पार करके रंग महल जाते हैं और चांदनी चौक में उपस्थित होकर श्री पूर्ण ब्रह्म का दर्शन कर उन्हें प्रणाम करके वापस अपने अक्षरधाम में लौट आते हैं। यह उनका नित्य क्रम है। लेकिन एक बार क्या हुआ, मूल मिलावा में श्री राज जी श्री श्यामा जी और सखियों के दरमियान इश्क रबत के दौरान ये मीठा विवाद उठ खड़ा हुआ कि किसका इश्क अधिक है, श्री पूर्ण ब्रह्म का या उनकी ब्रह्म प्रियाओं का। हालांकि परम धाम में न्यून या अधिक जैसे मात्रा भेद का प्रश्न ही उपस्थित नहीं हो सकता, किंतु श्री पूर्ण ब्रह्म को कारण उत्पन्न करने के लिए कोई बहाना चाहिए था, इसलिए उन्होंने ही सखियों के हृदय में यह प्रश्न बीज आरोपित किया। इस तरफ नित्य क्रम के अनुसार जब अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में श्री पूर्ण ब्रह्म के दर्शन हेतु उपस्थित हुए और उन्होंने श्री पूर्ण ब्रह्म को श्री श्यामा जी व सखियों को रंग माहौल की तीजी भौम की पड़साल में देखा, तब उनके हृदय में एक मन भावन जिज्ञासा हुई। रंग माहौल में श्री राज जी श्री श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों के बीच सदैव होती बिद बिद किशोर लीलाएं आनंद लीलाएं देखने की सुंदर इच्छा अक्षर ब्रह्म के मन में प्रकट हुई। अक्षर मन उपजिए आस देखो धनी जी को प्रेम विलास अक्षर मन उपजिए आस देखो धनी जी को प्रेम विलास उप
उपजिए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। अक्षर मन उपजिए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। ये इच्छा भी श्री पूर्ण ब्रह्म की वियोग दल की लीला के प्रभाव से ही उत्पन्न हुई थी। अब इस तरफ अक्षर ब्रह्म को देखकर सखियों को भी जिज्ञासा हुई और उन्होंने श्री पूर्ण ब्रह्म से 3 प्रश्न किए। समग्र परमधाम में आप ही एकमात्र पुरुष हैं, तो ये दूसरा पुरुष कौन है? इनका निवास कहाँ है और ये क्या करते हैं? अक्षर ब्रह्म के मन में और ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में उत्पन्न हुई इच्छा को, जिज्ञासा को सृष्टि सृजन का कारण कहा जाता है, जो कि श्री पूर्ण ब्रह्म के महाकारण की आपूर्ति के लिए ही उन्हीं की प्रेरणा से बने। अब श्री पूर्ण ब्रह्म ने क्या किया? अक्षर ब्रह्म का परिचय देते हुए श्री पूर्ण ब्रह्म ने सखियों से कहा कि ये अक्षर ब्रह्म है और मेरे ही सत स्वरूप का अंश है। स्वरूप एक लीला दोई, मेरा और उनका स्वरूप एक ही है, अपितु हम दोनों की लीलाओं का प्रकार भिन्न भिन्न है। अक्षरधाम में निवास करने वाले यह अक्षर ब्रह्म सदैव बाल लीलाएं करते रहते हैं। क्षण मात्र में कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सृजन और विसर्जन करना ही उनका कार्य है। मोह माया सुख दुख संयोग वियोग और जड़ चेतन के द्वंद्वों से युक्त अनेकानेक सृष्टियां वे बनाते रहते हैं और मिटाते रहते हैं। भगवान जी खेलत बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा सो प्रकृत। कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे, खिन में देख के पल में उड़ावे। भगवान जी खेलत बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा सो प्रकृत। ब्रह्म सृष्टियों को इन द्वैत भाव की बातें सुनकर अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि परम धाम निज धाम तो अद्वैत एकरस और शाश्वत है। अब सखियों के मन में अक्षर ब्रह्म द्वारा रचित सृष्टि का, जगत का, माया का खेल देखने की तीव्र इच्छा प्रकट हुई। इस इच्छा को भी सृष्टि रचना का कारण कहा जाता है। श्री पूर्ण ब्रह्म ने 3 बार उन्हें मना किया और सावधान करते हुए कहा, अक्षर ब्रह्म के बनाए जगत की माया इतनी प्रबल है कि उसे देखकर तुम सभी मुझको, परम धाम को और यहां तक कि अपने आप को भी विसर जाओगी, भूल जाओगी। किंतु ब्रह्म सृष्टियों ने श्री राज जी की एक न सुनी। आखिर यही तो श्री पूर्ण ब्रह्म चाहते थे कि सखियां वियोग का दुख देखें व भोगे, तभी तो वे संयोग के सुख का मूल्य समझ पाएगी और किसका इश्क अत्याधिक है यह सत्य भी उजागर हो जाएगा। तो हुआ यूं कि अब श्री राज जी, श्री श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों के साथ रंग महल की तीसरी भौम से उतरकर प्रथम भौम के मूल मिलावा मंदिर में आन विराजे। वर्तुलाकार स्थिति में सब एक दूसरे से अंग लगाकर बैठ गए। जुद बना
नए नए वजूद बनाए, नए नए वजूद बनाए। मैं अब तुम सबको माया का खेल दिखाता हूँ, किंतु इस खेल की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें याद रखना बहुत ही आवश्यक है। इस खेल के दौरान तुम सब अपने आप को, निज स्वरूप को भूल जाओगी। जो नहीं होगा वह दिखाई पड़ेगा, और बार बार याद दिलाने पर भी तुम्हें ये स्मरण में नहीं आएगा कि तुम ब्रह्म सृष्टियां हो, मैं तुम्हारा पूर्ण ब्रह्म हूं और परमधाम ही तुम्हारा निज धाम है। सभी सखियों ने खेल की विशेषताओं का स्वीकार करके एक दूसरे को वचन दिया, कॉल दिया कि वे परम धाम को, श्री पूर्ण ब्रह्म को और निज स्वरूप को याद रखेंगी तथा भूल जाने पर एक दूसरे को याद दिलाएंगी। जो तू भूले मैं तुझको देऊंगी तुरत जगा, ऐसा कॉल देकर अनार की कलियों की भांति एक दूसरे के गले में हाथ पिरोकर सब ब्रह्म सृष्टियां बैठ गई। अब मूल मिलावा में श्री पूर्ण ब्रह्म सभी ब्रह्म प्रियाओं के चित पर फरेबी का आवरण डालकर उन्हें ध्यानावस्था में ले गए। उनका नूरी शरीर तो परमधाम में ही उसी मूल मिलावा में ही रहा, किंतु उनकी सूरता यानी कि आत्म अब क्षर जगत में माया का खेल देखने हेतु तैयार हो गई। उस तरफ क्या हुआ, अक्षर धाम में विराजमान अक्षर ब्रह्म ध्यानस्थ हुए, क्योंकि उन्हें परम धाम में श्री पूर्ण ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टियों के बीच हो रही किशोर लीला एवं आनंदमयी लीला के दिव्य दर्शन करने थे। इसलिए श्री पूर्ण ब्रह्म ने अपनी दृष्टि अक्षर ब्रह्म पर डाली। अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण में पूर्ण ब्रह्म ने अपने आनंद की एक बूंद, केवल एक बूंद स्थापित की। एक बूंद आई हक दिल से, एक बूंद आई हक दिल से, दिन कायम किए फिर चर, दिन कायम किए फिर चर, एक बूंद की सिफत देखिए, एक बूंद की सिफत देखिए, ऐसे हक दिल में कई सागर, ऐसे हक दिल में कई सागर, एक बूंद आई हक दिल से, एक बूंद आई हक दिल से। इस बूंद के कारण ध्यानस्थ अक्षर ब्रह्म के मन पर आनंद का आवरण फैल गया और उनके मन में प्रातःकाल की निज धाम की आनंद लीला का बोध हुआ। अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण के चारों अंग सत स्वरूप अर्थात मन, केवल ब्रह्म यानी कि बुद्धि, सबलिक ब्रह्म यानी कि चित्त और अव्याकृत अर्थात अहंकार को यह ज्ञान लाभ क्रमशः होता गया। मानो आनंद की वो अमृतमय बूंद नीचे उतरती हुई मन से लेकर केवल से होकर सबलिक और फिर अव्याकृत में आई। इस क्रमिक घटना चक्र को ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि तनिक सी भी चूक हो जाने पर बुद्धि भ्रमित हो सकती है। अक्षर ब्रह्म को ध्यानावस्था में श्री पूर्ण ब्रह्म की
जिस आनंद लीला का ज्ञान हुआ, उसका आभास जब उनके मन अर्थात सत स्वरूप पर पड़ा तो वह भी ध्यानस्थ हुआ। यह हुआ अक्षर ब्रह्म का महाकारण, जिसमें प्रातःकाल की निज धाम की आनंद लीला का और अक्षर ब्रह्म के अक्षर धाम की लीला का प्रतिभास पड़ा। पुनः प्रतिभास सत स्वरूप के कारण और सूक्ष्म स्वरूप से होकर स्थूल जगत बुद्धि अर्थात केवल स्वभाव के स्थान में रास लीला के रूप में परिलक्षित हुआ। अब आनंद की वो बूंद केवल ब्रह्म से होकर सबलिक ब्रह्म में उतरी तो वो भी इस आनंद में निमग्न हो गए। सबलिक ब्रह्म के चिद अंश और केवल ब्रह्म के आनंदांश के संयुक्त स्वरूप को चिदानंद लहरी कहते हैं। इसको सुरता अथवा विद्या शक्ति भी कहते हैं। कुटस्थ अक्षर ब्रह्म के हृदयाकाश से उदित शक्ति यही सुमंगला शक्ति है। जब ये सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होती है तब अव्याकृत के महाकारण में अर्थात शुद्ध स्थूल लोक में अपनी सर्व सामग्री के साथ आविराजती है और सद्रूपा माया यानी कि सुमंगला नाम से जानी जाती है। सबलिक ब्रह्म से होकर इसी आनंद का अंश मात्र आनंद फिर अव्याकृत की मूल प्रकृति में आया, जिसके कारण ब्रज मंडल उत्पन्न हो गया, जिसमें राधा कृष्ण गोप गोपी नंद यशोदा सब प्रकट हो गए। नहीं नहीं, ये द्वापर युग वाला ब्रज नहीं है, वह तो बाद में आएगा, क्योंकि यह सर्व घटनाएं तो अभी तक अक्षरधाम में विराजित ध्यानस्थ अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण में ही घटित हो रही हैं। अब अव्याकृत जो अक्षर ब्रह्म का अहंकार है, उसने ब्रज मंडल को देखा तो उन्हें मोह उत्पन्न हो गया और यही मोह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बीज बना। हवे पहला मोह जलनी कहूं बात, हवे पहला मोह जलनी कहूं बात, ते तो दुख रूपी दिन रात, ते तो दुख रूपी दिन रात, दावा नल बड़ कई केतली कहूं विख्यात, हवे पहला मोह जलनी कहूं बात, हवे पहला मोह जलनी कहूं बात। इस अव्याकृत की दो शक्तियां हैं। प्रथम है काल शक्ति, जो अव्याकृत पर मोह निंद्रा का आवरण डालकर मोह जल बनाती है, और दूसरी शक्ति है ईश्वरी शक्ति, जो प्रकट हुए मोह जल यानी मोह रूपी समुद्र में अंडा बनाती है। इस मोह जल में अंडा हजारों वर्षों तक निर्जीव रूप से तैरता रहा, फिर चिद रूप अक्षर यानी कि सबलिक ब्रह्म की सबलिक सूरता चेतना ने उस अंडे में प्रवेश किया। वैदिक शास्त्रों में जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया है, वास्तव में यह सबलिक सूरता ही वह हिरण्यगर्भ है। अब हजारों वर्षों तक अंडा पकता रहा और एक दिन आधुनिक विज्ञान जिसे ब्रह्मांड का प्रारंभ क्षण कहता है वह हुआ, बिग बैंग, एक जबरदस्त धमाका, विस्फोट, अंडा फूटा और उस अंडे में से प्रथम पुरुष पैदा हुआ। हजारों वर्षों तक जल अर्थात नार में निवास करते रहने के कारण इस पुरुष का नाम पड़ा नारायण। इस नारायण ने वर्षों तक की खोज के बावजूद अपने चारों ओर किसी अन्य को नहीं देखा तो उन्होंने कहा कि मैं ही सबका आदि हूं। इस प्रकार इस पुरुष का नाम आदि नारायण हुआ। इन्हें श्री महाविष्णु भी कहा जाता है। मोह सागर में निवास कर रहे आदि नारायण के हृदय में इच्छा हुई, एको हम बहु श्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी कल्पना मात्र से माया उत्पन्न हो गई। आदि नारायण की इच्छा से
उनके चार स्वरूप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध प्रकट हो गए। माया, जिसे महतत्व भी कहा जाता है, उसका विस्तार हुआ। महतत्व की दो शक्तियां प्रकट हुई। प्रथम बुद्धि रूपा ज्ञान शक्ति गायत्री, जिससे चार वेद उत्पन्न हुए, इसलिए इसे वेद माता भी कहा गया। इसे श्री महाविष्णु का निज स्वभाव भी कहा गया है। चारों वेद आदि नारायण के कर्ता की खोज करने हेतु ऊपर गए, किंतु उन्हें पता नहीं चला। तब उन्होंने नेति नेति कहकर अपनी वाणी को विराम दे दिया। वैसे भी शास्त्रों में संसार वृक्ष को ऊर्ध्वमूल कहा गया है, क्योंकि इसकी शाखाएं नीचे की ओर तथा मूल ऊपर की दिशा में है। जिसे खोज पाना कल्प वृक्ष कहे जाने वाले वेदों के बस की भी बात न रही। माया की दूसरी शक्ति है प्राण ब्रह्म, अर्थात ओम। ज्योति स्वरूप शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, मृत्युंजय आदि नामों से परिचित इस शक्ति को अहंकार शक्ति भी कहते हैं, जो विराट का मूल है। अहंकार के अध्यात्म की भी तीन शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, जिनसे क्रमानुसार सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण प्रकट हुए। तमोगुण के अहंकार से पांच तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा पांच तन्मात्राएं रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द प्रकट हुई। रजोगुण के अहंकार से पांच ज्ञानेंद्रियां एवं पांच कर्मेंद्रियों का प्राकट्य हुआ। सत्वगुण के अहंकार से चार अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तथा विराट के सर्व अंगों के देवता उत्पन्न हुए। यह सब मिलकर जो स्वरूप खड़ा हुआ, उसका नाम विराट पुरुष पड़ा, जो अनेक युगों तक निर्जीव पड़ा रहा। तब समस्त अंगों के देवताओं ने उसे चेतन करने हेतु आदि नारायण की स्तुति की। विषय अवश्य गहन और अटपटा है, किंतु दुर्बोध नहीं है, इसलिए उलझन में मत पड़िए। केवल एकाग्रचित होकर ध्यान से देखिए और सुनिए। इससे अधिक रसप्रद और ज्ञानमय विषय सारे संसार में नहीं है, क्योंकि आखिर यह हमारे ही निज स्वरूप को पहचानने की तो बात है। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर आदि नारायण ने अपनी संकर्षण शक्ति को इस विराट पुरुष को चेतन बनाने के लिए भेजा। चैतन्य पाते ही विराट पुरुष से शेषशायी नारायण और कमला लक्ष्मी जी उत्पन्न हुए, जो गर्भोदक समुद्र के श्वेत द्वीप में रहने लगे। कुछ समय पश्चात इस शेष नारायण की नाभि से एक कमल नाभ निकलकर सुदूर ऊपर तक जा पहुंचा, जिसकी चोटी पर प्रथम ब्रह्मा जी, फिर विष्णु जी और ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी में से शंकर जी, यह त्रिदेव उत्पन्न हुए। श्री ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि का सृजन कार्य आरंभ किया। श्री विष्णु ने इस सृष्टि के पालन का और श्री शंकर ने इसके संहार का कार्य संभाल लिया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, इन अष्ट आवरणों से युक्त 14 लोक की सृष्टि का सृजन हुआ। पृथ्वी, जहां हम रहते हैं, वह है भूलोक यानी मृत्युलोक। इसके नीचे 7 लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। पृथ्वी के ऊपर 6 लोक है, भूवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक। सतलोक को सत्यधाम या वैकुंठ भी कहा जाता है। वैकुंठ में श्री विष्णु लक्ष्मी जी के साथ और इसी वैकुंठ में सत्यधाम में श्री ब्रह्मा जी सावित्री के साथ निवास करते हैं। कैलाश पर्वत पर शिवपुरी में
श्री शंकर पार्वती का निवास है। यह सब विराट पुरुष सबलिक चित रूप अक्षर ब्रह्म का स्थूल शरीर है। अक्षर ब्रह्म के कारण और सूक्ष्म शरीर में तो परम धाम की लीलाएं अंकित हो गई है। अब बारी आई है स्थूल की। लेकिन इससे पहले आइए देखें कि वहां परम धाम में मूल मिलावा में जहां श्री राज जी, श्री श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियां वर्तुलाकार बैठे हुए हैं, वहां क्या हुआ? श्री पूर्ण ब्रह्म ने अपनी दृष्टि श्री श्यामा महारानी की तरफ डाली। इतने समय में ब्रह्मा जी के 50 वर्ष व्यतीत हो गए और 51वें वर्ष के 28वें द्वापर युग के अंत का आरंभ हो गया। अब गोलोक यानी वैकुंठ के भगवान श्री विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लेकर श्री कृष्ण का कलेवर अर्थात शरीर धारण किया, जिसमें अक्षर ब्रह्म की आत्मा विराजित हुई और पूर्ण ब्रह्म श्री अक्षरातीत का जोश उसमें प्रविष्ट हुआ। दो भुजा स्वरूप जो श्याम, दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। वैसे तो ब्रह्मांड बनाना और मिटाना यह कार्य तो श्री अक्षर ब्रह्म का है, किंतु यह प्रथम अवसर ऐसा घटित हुआ कि वर्तमान तीन ब्रह्मांड श्री पूर्ण ब्रह्म की प्रेरणा से उत्पन्न हुए। वृज, रास और जागनी, इन तीन ब्रह्मांडों की रचना में प्रथम वृज के ब्रह्मांड का अब शुभारंभ हुआ। श्री कृष्ण के प्राकट्य के साथ साथ श्री पूर्ण ब्रह्म के आदेश प्रभाव से ब्रह्म सृष्टियों की चित्तवृत्ति या कहिए कि सूरता वृज भूमि की गोपियों पर अवतरित हुई और वे अपने मूल स्वरूप को भूलकर स्वयं को वृज की गोपियां समझने लगी। वृज मंडल के नाम से प्रचलित इस प्रथम ब्रह्मांड में श्री कृष्ण अर्थात श्री पूर्ण ब्रह्म के जोश ने अक्षर ब्रह्म की आत्मा और श्री विष्णु के कलेवर में स्थित होकर 11 वर्ष और 52 दिनों तक ब्रज मंडल में गोपियों के साथ अनेक प्रकार की ब्रज लीलाएं की। 52वें दिन आई शरद पूर्णिमा की रात्रि, चारों ओर प्रसन्नता का दिव्यता का वातावरण था। कलियों के हृदय प्रफुल्लित होकर पुष्पों में परिवर्तित हो गए थे। सरोवर में कंवल पूर्ण चांदनी का स्पर्श पाकर अपने सुंदर सुगंधमय व्यक्तित्व की अनुपम आभा हर तरफ बिखेर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को आदेश देकर द्वितीय ब्रह्मांड बनाया, रास का ब्रह्मांड। योग माया रचित इस ब्रह्मांड में बनाए गए इस नवीनतम वृंदावन में श्री कृष्ण ने सुध बुध विसार देने वाली मीठी मधुरी बंसी बजाकर गोपियों की चेतना को आमंत्रित किया। हे स्वरूप ने एह वृंदावन एह जमुना तट सार, हे स्वरूप ने एह वृंदावन एह जमुना तट सार, घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो, तारत में की धो निरधार। हे स्वरूप ने एह वृंदावन एह जमुना तट सार। गोपियों के स्थूल शरीर तो पृथ्वी के वृज धाम में ही रहे, अपितु उनकी सुरता जो स्वयं ब्रह्म सृष्टियां ही थी, वे योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच गई। श्री पूर्ण ब्रह्म के जोश से प्रेरित
श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर आनंदित होकर समाधिस्थ होकर सारी गोपियों पर विराजित ब्रह्म सखियां श्री कृष्ण के साथ रास लीला के परम आनंद में डूब गईं। श्रीमद् भागवत कहता है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को पुष्प विशेषों को विकसित देखकर भगवान ने योग माया का नया वृंदावन तैयार कर रास लीला रमण करने की इच्छा से वंशी बजाकर गोपियों को बुलाया और इस संसार की अनंत रात्रियों तक रासलीला की। आहा, कहते हैं जिसे देखते देखते भक्त कवि नरसिंह मेहता का हाथ मशाल में परिवर्तित हो गया, फिर भी उन्हें सूद न रही। उस रासलीला के अनुपम आनंद का रस का वर्णन शब्दों से करना संभव ही नहीं है। षट चक्रों का भेदन करके योगी की आत्मा या कुंडलिनी शक्ति जब सहस्रार चक्र में पहुंचती है, तब पूर्ण विकसित सहस्त्र दल कंवल की आभा से युक्त जो परम आनंद उसे प्राप्त होता है, वह अमृत स्वरूप परमानंद इस रास लीला के आनंद का ही पर्याय है। गर्ग संहिता लिखती है, एक वृंदावन ही ऐसा स्थान है जो वैकुंठ से भी परे है। यही है वह स्थान, योग माया का, रास का ब्रह्मांड, जहां अखंड रास लीला होती रहती है। श्री सुखदेव जी ने भी श्रीमद् भागवत में इस रास लीला का वर्णन राजा परीक्षित को विस्तार से सुनाया था। सच्चिदानंद श्री पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की इस रास लीला का, आनंदमय लीला का वर्णन मुंडकोपनिषद में भी मिलता है, जिसके अनुसार ब्रह्म सदा किशोर, रस रूप और अक्षर से भी परे परात्पर है। इस प्रकार श्री अक्षर ब्रह्म के स्थूल ने भी श्री पूर्ण ब्रह्म की आनंद लीला के दर्शन किए, वे कृत कृत्य व धन्य धन्य हो गए। उनकी इच्छा की तो पूर्णतः पूर्ति हो गई, किंतु ब्रह्म सृष्टियों की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। वृज लीला के दौरान उन्हें श्री अक्षर ब्रह्म की बाल लीला का तो दर्शन लाभ हुआ, परंतु क्षर जगत की माया का खेल देखने की उनकी इच्छा तो अधूरी ही रह गई। इसलिए मूल मिलावा में स्थित ब्रह्म सखियों की सूरता जब वापस परमधाम में आई, तब उन्होंने पूर्ण ब्रह्म से फिर विनती की कि अक्षर ब्रह्म के द्वारा रचित नाशवंत जगत में माया का खेल देखने का पूर्ण अवसर हमें नहीं मिला और ना ही हमें सुख दुख की अनुभूति हुई। उनकी बिनती सुनकर श्री पूर्ण ब्रह्म ने फिर से खेल की वही सूचना और आदेश दोहराते हुए कहा, वृज में और रास में तो हम सब एक साथ थे, किंतु अब के इस खेल में तुम सबको अलग अलग जगहों पर जीव सृष्टियों पर अवतरित होकर माया का खेल देखना होगा। इसलिए पहले से अधिक सावधानी रखनी होगी और माया में अधिक न उलझकर खेल देखकर तथा जागृति पाकर जल्द से जल्द परम धाम में वापिस लौट आना होगा। सबने आदेश ग्रहण किया, पहली बार की भांति ही एक दूसरे के गले में हाथ पिरोकर बैठी, भूल जाने पर एक दूसरे को याद दिलाने के कॉल भी दिए और फिर अक्षरातीत श्री पूर्ण ब्रह्म ने तीसरा ब्रह्मांड बनाया, जो बना जागनी रास का ब्रह्मांड। वास्तव में पूर्ण ब्रह्म द्वारा रचित तीनों ब्रह्मांड किसी विशेष सृजन का नाम नहीं है, अपितु एक निश्चित अवधि समय के एक मर्यादित अंतराल को ही ब्रह्मांड का नाम दिया गया है। यह सत्य समझ लेना बहुत ही जरूरी है। वर्तमान कलयुग के अंत में पुण्य भूमि भारत खंड के विभिन्न प्रदेशों में ब्रह्म सृष्टियों की सूरता कई जीव सृष्टियों पर अवतरित हुई है। कई धर्मशास्त्रों में इनके अवतरण की भविष्यवाणियां भी की गई है। हरिवंश पुराण में महर्षि श्री वेदव्यास जी राजा जन्मेजय से कहते हैं कि कलयुग में ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे। इनका प्रकट होना सहज नहीं, इनके अवतरण से एक असंभव घटना घटित होगी। अब क्रम आता है हमारा, यानी कि मृत्यु लोक में जी रहे मनुष्य का। शास्त्रों में मानव शरीर को एक वृक्ष के रूप में कल्पित किया गया है, जिस पर
दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक है जीव जो कर्म फल का भोगता है और दूसरा है ब्रह्म सृष्टियों की एवं ईश्वरीय सृष्टियों की सुरता जो क्षर जगत की माया का खेल देखने जागनी रास के इस तीसरे ब्रह्मांड में दोबारा अवतरित हुई है। इसलिए यह दूसरा पक्षी आत्मा कुछ नहीं करता, केवल साक्षी भाव से दृष्टा होकर सब कुछ देखता रहता है। लेकिन ब्रह्म प्रियाओं का, जिन्हें ब्रह्म मुनि भी कहा जाता है, इनका अवतरण इस क्षर जगत में हुआ है। ये बोध सर्वप्रथम किसे, कब, कहां और कैसे हुआ, यह जानने के लिए हमें 16वीं शताब्दी में अर्थात 400 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। पश्चिम भारत का मारवाड़ प्रदेश, जो आज पाकिस्तान का सिंध प्रदेश है, इस प्रदेश के ऐतिहासिक नगर उबरकोट में आश्विन सुदी चतुर्दशी विक्रम संवत 1638 तद अनुसार 11 अक्टूबर 1581 ईस्वी सन को सदगुरु श्री देवचंद्र जी का जन्म हुआ। सात्विक गुणों से संपन्न श्री देवचंद्र जी आत्मानुभूति की तीव्र इच्छा लिए देश देशांतर का परिभ्रमण करते हुए 25 वर्ष की आयु में सौराष्ट्र की पावन भूमि छोटी काशी के नाम से विख्यात जामनगर पहुंचे। यहां निरंतर 14 वर्षों तक श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए उन्हें एक दिन विभुज मुरली हस्तम रत्न भूषण भूषितम श्री पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण के दिव्य किशोर स्वरूप के परम दर्शन हुए। श्री कृष्ण के उस अलौकिक स्वरूप ने बीज मंत्र निज नाम श्री तारतम महामंत्र से ही उनकी आत्मा में श्री पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश जागृत कर श्री श्यामा जी के स्वरूप निजानंद का बोध स्वयं में कराया। इससे वे सदगुरु श्री निजानंदाचार्य के नाम से विख्यात हुए और उनसे जो संप्रदाय बना उसका नाम निजानंद संप्रदाय रखा गया। परम धाम में ब्रह्म सखियां पूर्ण ब्रह्म श्रीराज जी से अपने अनन्य प्रेम के कारण सदैव उन्हें प्रणाम किया करती है, इसलिए इसे विश्व प्रणामी धर्म से नामांकित किया गया। श्री देवचंद्र जी में सुंदर बाई की आत्म का आविर्भाव हुआ, इसलिए उनके साथी उनके अनुयायी सुंदर साथ कहलाए। जब श्री देवचंद्र जी को परम धाम की श्री पूर्ण ब्रह्म की और निज स्वरूप की स्मृति हो गई, तब उन्होंने अन्य ब्रह्म सृष्टियों को भी जागृत करने का प्रयत्न आरंभ किया। उनके इस प्रयत्न को जागनी अभियान का स्वरूप देकर विस्तृत रूप से प्रचारित एवं प्रसारित किया उनके प्रमुख शिष्य श्री मेहराज ठाकुर ने। 6 सितंबर सन 1618 तदनुसार विक्रम संवत 1675 आश्विन कृष्णा चतुर्दशी रविवार के शुभ दिन जामनगर राज्य के दीवान श्री केशव राय जी के घर श्री मेहराज ठाकुर का जन्म हुआ। निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी ने प्रथम भेंट में ही श्री मेहराज के अंदर श्री इंद्रावती की सूरता को पहचान लिया। श्री देवचंद्र जी ने श्री मेहराज को परम धाम के गुढ़ातिगूढ़ तत्वों से एवं सच्चिदानंद विग्रह अनंत स्वलीला द्वैत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के परम गोपनीय रहस्यों से अवगत कराया और उन्हें पृथ्वी पर अवतरित अन्य ब्रह्म सृष्टियों को तथा माया में निमग्न पृथ्वी की जीव सृष्टियों को भी जागृत करके उन्हें शाश्वत सुख देने का उत्तरदायित्व सौंपा। 74 वर्ष की आयु में वे श्री देवचंद्र रूपी शरीर को त्याग कर श्री मेहराज की आत्मा में अंतर्हित हो गए। जामनगर में श्री 5 नवतनपुरी धाम की स्थापना हुई। गुरु आज्ञा और सुख शीतल करु संसार की उच्च भावना को लेकर श्री मेहराज ने देश विदेश की काफी यात्राएं की। साधना की उच्चावस्था में जब वे पहुंचे तब उनमें पूर्ण ब्रह्म श्री अक्षरातीत की 5 शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। परम धाम की इन 5 शक्तियों के प्रभाव से श्री मेहराज ठाकुर के मुख से पूर्ण ब्रह्म की ही वाणी श्री तारतम वाणी के स्वरूप में अवतरित हुई। श्री पूर्ण ब्रह्म के कार्य भी निराले हैं।
श्री देवचंद्र जी को श्री तारतम मंत्र प्रदान किया और श्री मेहराज को श्री तारतम वाणी देकर धन्य कर दिया। श्री धने जे को जो कम बुध मूल वतन नूर हुकुम बुध मूल वतन ए पांचो मिल भाई महावत ए पांचो मिल भाई महावत वेद कते मो पहुंची सरत श्री धनी जी को जो श्री राज जी का जोश, श्री श्यामा जी की आत्मा, श्री पूर्ण ब्रह्म का नूर, हुकम और बुद्धि, यह पांच शक्तियां श्री प्राणनाथ जी में अवतरित हुई और इस तरह वेदों और कतेब यानी कि कुरान में लिखे वचन सत्य हुए। श्री पांच पद्मावती पुरी धाम के गुम्मट जी मंदिर के शिखर पर स्थापित यह पंजा पांच शक्तियों का प्रतीक है। सभी धर्म ग्रंथों के बातूनी अर्थों का अर्थात सूक्ष्म ज्ञान का कुल सार श्री तारतम सागर में जमा होने की वजह से इसे श्री कुलजम स्वरूप भी कहा जाता है। 18,758 चौपाइयों में अवतरित श्री तारतम वाणी के माध्यम से ही क्षर से परे अक्षर और अक्षर से भी परे श्री अक्षरातीत श्री पूर्ण ब्रह्म के और परम धाम के विषय में जगत को प्रथम बार ज्ञात हुआ। श्री पूर्ण ब्रह्म जो कि सर्व प्राणों के स्वामी है, नाथ है, उनकी शक्तियों का आविर्भाव श्री मेहराज में होने के कारण अब उनका नाम हुआ महामती श्री प्राणनाथ। इसलिए यह सच्चाई को समझ लेना अनिवार्य है कि श्री प्राणनाथ किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, अपितु वह तो श्री पूर्ण ब्रह्म की शक्तियों का ही विशेषण मात्र है। परम धाम श्री राज जी, श्री श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों के बारे में रहस्योद्घाटन करके श्री प्राणनाथ जी ने जागनी रास के इस तीसरे ब्रह्मांड का मुख्य कार्य आरंभ किया। गुजरात के सूरत शहर में ईस्वी सन 1729 में श्री पांच महामंगलपुरी धाम आद्य जागनी पीठ की स्थापना करके श्री प्राणनाथ ने ब्रह्म प्रियाओं को जागृत करने का जागनी अभियान आरंभ किया। सूर्य उदित हो और उजियारा न फैले, यह कैसे संभव है? श्री प्राणनाथ के ज्ञान रवि का प्रकाश समस्त जगत में फैलने लगा। सन 1678 में हरिद्वार में कुंभ का महापर्व आयोजित हुआ। इस महाकुंभ में महामती श्री प्राणनाथ जी ने विभिन्न धर्मों के संप्रदायों के आचार्य संतों व महंतों के समक्ष उन्हीं के शास्त्रों पुराणों और धर्म ग्रंथों के प्रमाण देकर निजानंद संप्रदाय की पद्धति एवं सिद्धांत तथा जीव जगत माया ब्रह्म इन सब के विषय में विस्तार पूर्वक समझाया, जिससे वहां उपस्थित सर्व समाज गदगदित हो उठा। इतना ही नहीं अपितु सबको यह प्रत्यक्ष आत्म अनुभव हुआ कि निजानंद संप्रदाय श्री विश्व प्रणामी धर्म कोई नया धर्म नहीं है, वरन यह प्राचीनतम सत्य सनातन अनादि धर्म है जो अखंड अक्षरातीत परम धाम में नित्य प्रचलित है। वेद पुराणों के अनुसार निष्कलंक बुद्ध स्वरूप कलयुग के अंत में प्रकट होगा। पद्म पुराण में भी लिखा है, कलयुग के अंत में संसार पर कृपा करने के लिए परमात्मा बुद्ध रूप से अवतार लेगा और अपनी ज्ञान रूपी तलवार से सर्व के संशयों को काटकर ब्रह्म सृष्टियों को परम तत्व का उपदेश करेगा और उन्हें साथ लेकर अपने स्थान परम धाम में जाएगा। विषय कथन मिलता है कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के 1000 वर्षों के बाद
आखर जमाने के इमाम महदी आएंगे। इद्दते अमल भयो इमाम, चालीस बरसों फजर तमाम। इद्दते अमल भयो इमाम, चालीस बरसों फजर तमाम। ग्यारही के दस बरसों कही फजर, दुनिया भए एक नजर। ग्यारही के दस बरसों कही फजर, दुनिया भए एक नजर। इतथे अमल भयो इमाम, चालीस बरसों फजर तमाम। इस तरह श्री प्राणनाथ ही वह इमाम महदी है यह प्रमाणित हुआ। श्री प्राणनाथ जी की परम वाणी से धन्यता का अनुभव करने वाले सभी विद्वानों ने अंत में सर्वानुमत होकर शास्त्रों, पुराणों एवं कुरान के भविष्य कथन के आधार पर महामति श्री प्राणनाथ को श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की उपाधि से विभूषित किया और उनके नाम से विजयाभिनंद बुद्ध जी शाखा की स्थापना भी की। वर्तमान वर्ष ईस्वी सन 2005 में बुद्ध जी की शाखा 326 चल रही है। श्री प्राणनाथ जी ने केवल आध्यात्मिक जागरण का ही नहीं बल्कि सामाजिक राजकीय उत्थान का भी बीड़ा उठाया। तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेब के अत्याचारों से आतंकित प्रजा की रक्षा करने की मुहिम भी उन्होंने शुरू की। उसी दौरान मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में उनकी भेंट श्री छत्रसाल महाराज से हुई। श्री प्राणनाथ जी को अपने गुरुपद पर स्थापित कर उनका आशीर्वाद पाकर महाराजा श्री छत्रसाल जी ने औरंगजेब को कई बार करारी शिकस्त दी और स्वतंत्र बुंदेलखंड की स्थापना की। शास्त्र कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम। इस वचन को प्रमाणित करते हुए श्री प्राणनाथ ने महाराजा श्री छत्रसाल को आर्थिक संकट से भी उबारा। श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से अलंकृत पन्ना की इस भूमि से आज भी हीरे पाए जाते हैं। पारस का स्पर्श हो और लोहा स्वर्ण में परिवर्तित ना हो ऐसा कहीं संभव हो सकता है? पन्ना में बह रही विषमयी किलकिला नदी का जल श्री प्राणनाथ जी का चरण स्पर्श पाते ही अमृतमय पावन सलील हो गया। महामति श्री प्राणनाथ जी ने सामाजिक उत्थान एवं राजनीतिक आदर्शों की स्थापना करने के साथ साथ श्री बाईजू राज जी महारानी के संग गृहस्थ धर्म निभाते हुए अपने व्यावहारिक जीवन के आदर्शों एवं आवेशपूर्ण ब्रह्मवाणी श्री तारतम सागर के द्वारा संपूर्ण मानव जाति का पथ प्रदर्शन करके मानव धर्म को एवं विश्व बंधुत्व की भावना को एक नया आयाम प्रदान किया। सुंदर साथ के रूप में उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सूत्र को भी चरितार्थ किया। श्री पांच पद्मावती पुरी धाम पन्ना का यह वो अद्वितीय स्थान है जिसकी स्थापना करके श्री प्राणनाथ जी ने मानो ब्रह्म सृष्टियों को एवं ईश्वरी सृष्टियों को तथा माया से ग्रस्त जीव सृष्टियों को भी जागृत करने का एक प्रमुख मंच तैयार किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि को योग माया के ब्रह्मांड में महारास हुआ था जो आज भी अखंडित रूप से चल रहा है। एक ऐसी ही शरद पूर्णिमा की रात्रि को श्री प्राणनाथ जी ने श्री पांच पद्मावती पुरी धाम के इस ब्रह्म चबूतरे में सुंदर साथ को उस दिव्य महारास के दर्शन कराए और ब्रह्म सृष्टियों की सूरता को जागृत किया। जो कॉल परम धाम में दिया था उसकी याद ही दिलाई और यह अनुभूत कराया कि वे परम धाम निज धाम की निवासी है तथा उनके प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी है। श्री प्राणनाथ ने श्री पांच पद्मावती पुरी धाम में असंख्य सुंदर साथ को निजानंद परमानंद की प्राप्ति कराई। इस प्रकार मुक्ति का आनंद सुंदर साथ को यहाँ प्राप्त हुआ इसलिए इस धाम को मुक्ति धाम भी कहा जाता है। पृथ्वी पर एक साथ 5000 जैसे विशाल संख्या में आत्माओं की जागृति की यह प्रथम एकमात्र और अद्वितीय घटना है।
शास्त्रों में कहा गया है कि जिस लोक के देवता की उपासना हम करते हैं, अंत में उसी लोक में स्थान प्राप्त करते हैं। शिव का उपासक मोक्ष अर्थात मुक्ति पाकर शिवपुरी में और उसी प्रकार विष्णु उपासक वैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। किंतु श्री प्राणनाथ ने श्री तारतम वाणी के माध्यम से एक नवीनतम और उच्चतम सत्य प्रकट किया है कि शिवलोक या वैकुंठ तो क्षर पुरुष का विस्तार है, अर्थात महाप्रलय में उसका लय होना अवश्य है। इसलिए हमें क्षर अक्षर से भी परे श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, परम धाम की चितवनी करनी चाहिए। जिसका कभी लय नहीं होता उस निज धाम का ध्यान करना चाहिए और उसका सचोट माध्यम है अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। श्री प्राणनाथ ने जगत को यह संदेश दिया कि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत को अपना स्वामी मानकर उनकी उपासना करके परम धाम में वापिस जाना ही हमारा एकमेव लक्ष्य होना चाहिए। जागनी रास के इस ब्रह्मांड में प्रथम बार भिन्न भिन्न स्थानों पर अवतरित हुई ब्रह्म सृष्टियों की सूरता को जगाने के जिस जागनी अभियान का श्री प्राणनाथ ने प्रारंभ किया, वह आज भी सफल व अखंड रूप से क्रियाशील है। इस सच्चाई को उजागर करते हैं हृदय में अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति धारण किए श्री तारतम मंत्र का जप कर रहे यह अनगिनत सुंदर साथ। श्री प्राणनाथ का परम संदेश और जागनी अभियान विश्व में आध्यात्मिक क्रांति, उन्नति और जागृति का प्रतीक है। अध्यात्म जगत को एक नई और सच्ची दिशा दिखाने वाले तथा सृष्टि के और हमारे अस्तित्व के रहस्य को भी पूर्णतः उजागर करने वाले महामति श्री प्राणनाथ प्यारे की जय का घोष करते हुए उनके चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। श्री प्राणनाथ जी ने हमें अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति नाम की मास्टर की अमूल्य कुंजी प्रदान की है, जिसके प्रयोग से साधना और उपासना से हमें निज धाम परम धाम के मूल मिलावा में स्थित हमारे नूरी तन में जागृत होना है और पूर्ण ब्रह्म श्री अक्षरातीत श्री राज जी श्री श्यामा जी के चरणों में करना है प्रणाम। सुरताए के राखिए मूल मिलावे माहे, सुरताए के राखिए मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे भूतल जाहे, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे भूतल जाहे, बैठे भूतल जाहे, बैठे भूतल जाहे, बैठे भूतल जाहे, बैठ